हमें आके मेंटली हरेसमेंट कर रहे हैं, हमें टॉर्चर कर रहे हैं, डेली के कम मैसेज करे जा रहे हैं। तो वो कोई पीछे छोड़ना आया था, इनके और आपकी आपस की बात हुई थी ना, आपस की। तो आप उसी टाइम बोलते हैं ना कि कपिल भाई आप ना एक महीने बाद का एग्रीमेंट करा लो खाली करने का, या 6 महीने बाद का करा लो। तो उसमें होता ही ना कि मैंने तो बेचना आप उसी टाइम हमें बोलते कि मैंने तो बेचना नहीं लगा है, मैंने तो लगाया हुआ है। तो हम नीचे शिफ्ट ही ना हो गए, उसमें हमें नहीं खाली करना था, हमें मैंने बोलते कि मैंने तो बेचना लगाया हुआ है, तो हम नीचे शिफ्ट ही ना हो गए, हमें मैंने खाली नहीं कराया था। मेरे कोई दिक्कत नहीं, मेरे घुटनों की प्रॉब्लम थी, अचानक से डॉक्टर ने बोल दिया जी। तो अभी तो हमें आना पड़ा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज दिन है फ्राइडे, रात का टाइम हो गया, शायद 9:45 का टाइम हो गया। ये आए नहीं थे तो मेरे को लगा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। संडे लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी, जो वीडियो मैंने डाली थी जब हम कीर्तन में गए थे, और उससे एक दिन पहले जो हुआ धमाका हमारे घर में वो आप लोगों को पता ही है। और जो फर्स्ट टाइम देख रहा है ये वीडियो, तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखना, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। तो मेरे पास वो वीडियो डालने के बाद बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए, प्लीज़ टेंशन मत लो, रो मत। तो आपको सच में बहुत ज़्यादा थैंक यू, धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सोचा मेरे बारे में। और जो मेरे जानने वाले थे उनके भी बहुत फ़ोन आए, उन्होंने सबने मुझे समझाया कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जिनसे मुझे उम्मीद थी ना कि उनका फ़ोन आए, आपको पता है कि शादी के बाद लड़की को किससे उम्मीद रहती है, पर उन लोगों का किसी का फ़ोन नहीं आया, जिसमें से कुछ तो मेरी वीडियो देखते हैं। पर मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने संडे को वो वीडियो डाली, मंडे को उन्हीं की तरफ से एक फ़ोन ज़रूर आया था, मैं नाम नहीं लूँगी, पता नहीं मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उनका फ़ोन आया। उन्होंने छूटते ही बोला कि तू रो मत, हंसते हुए वीडियो बना बहुत अच्छा होगा, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है मैं देती हूँ। पर उन्होंने इतना बोला ना, मुझे बहुत खुशी हुई, इनको भी बोला, मुझे भी बोला। पर हमने कहा नहीं दीदी, अब तो जो होना था हो गया, कोई बात नहीं, आपने इतना बोल दिया ना, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जिनसे हमें उम्मीद थी ना, उन्होंने नहीं फ़ोन किया, बल्कि उन्होंने इस चीज़ का उल्टा मतलब समझ लिया। शायद आप लोगों ने वीडियो अगर ध्यान से देखी होगी, सुना होगा, तो उसमें मैंने ये नहीं बोला था कि हमने किसी की मदद करी। एक बार जिसको फिर से एक बार वो वीडियो ज़रूर देखना, मैंने ये बोला था कि हम सबके साथ खड़े थे, अगर आज हमारे साथ कोई खड़ा होने की बारी आई तो सब पीछे हट गए। मैंने उस वीडियो में ये बोला था, हम किसी की क्या मदद करेंगे, हमारी इतनी हैसियत भी नहीं है, हमारी इतनी वो भी नहीं है कि हम किसी की मदद करें। मुझे मदद वर्ड से बहुत ज़्यादा नफरत है, हम सबके साथ खड़े, रिश्ते मदद से नहीं, रिश्ते साथ खड़े होने से चलते हैं, ये वर्ड मैंने बोला था। चाहे आप 10 बार वीडियो रिपीट करके देखो, चाहे 20 बार। और मैंने नंबर जो ब्लॉक करने की बात बोली थी, उसमें मैंने सबका नंबर, मैंने सैटरडे को वीडियो बनाई, संडे को डाली, मैंने जो इधर वाले जो थे आप लोग समझ जाना, मैंने उनका नंबर ट्यूसडे को जाके ब्लॉक किया था, जब मैंने 2 दिन वेट किया कि किसी का कोई फ़ोन नहीं आया। और व्हाट्सअप नंबर आज भी चालू है, किसी का कोई फ़ोन नहीं आया, किसी का कोई मैसेज नहीं आया, बस इनके फ़ोन पे ज़रूर मैसेज आया, मेरे फ़ोन पे कोई मैसेज नहीं आया। अगर मैंने नंबर ब्लॉक किया, वो भी 2 दिन बाद जाके, जब मैंने देखा किसी का नहीं आ रहा कोई रिप्लाई, कुछ नहीं आ रहा कुछ भी, तो मैं अभी घर तो हम यहीं बैठे हैं ना, घर तो ब्लॉक नहीं कर दिया था, घर पे आते मेरे से पूछते क्या टेंशन है, मैंने अपनी टेंशन बताई थी, मैंने आज पूरा आपको बताऊँगी कि क्या बात हुई थी क्या नहीं हुई थी। उस टाइम शायद सबको समझ आई भी नहीं होगी ढंग से, जो ये वाला जो घर है, तो हम लोग सितंबर में यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना, 7 सितंबर को शिफ्ट हुए थे, जब मैं सफाई करवाने नीचे आई थी तब भी यहाँ पे देखने के लिए आ गए थे। इन्होंने फ़ोन किया मकान वाले भैया को, उन्होंने कहा कोई टेंशन मत लो, गलती से आ गए हैं, आप 2-2.5 साल बैठो। फिर भी 1 साल का एग्रीमेंट हुआ, याना का बर्थडे 21 सितंबर को था, 22-23 सितंबर को फिर देखने आ गए थे, डीलर लेके आता रहा, मैं मना करती रही बार बार, इनकी जो वाइफ है उनका फ़ोन आता रहा, जिनका ये मकान है, कि भाभी कोई नहीं, एक बार दिखा दो हैं, आने दो। जब से हमारे इतनी ज़्यादा टेंशन चल रही थी, उसी बीच में दिवाली आ गई, तो जो ये बात हुई थी कि हाँ भाई, मैंने आपको बोला था ना कि किसी ने हमें वो आस जगाई, जैसे इन मकान वाले भैया ने आस जगाई, वैसे उन्होंने आस जगाई, अपने एक डॉक्यूमेंट दे दिए, लेकिन जब बाद में और देने की बारी आई तो मुकर गए। मैं आज भी बोलती हूँ, मैं कल भी बोलूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ, बहुत ज़्यादा। जब कोई किसी के साथ खड़ा होता है तो हमें भी साथ खड़ा होना चाहिए। और फिर उसके बाद ये हम लोग, इसके पापा EMI भी भर रहे थे, इस वाले घर की हम लोग EMI भर रहे थे, 3-4 महीनों से EMI भर रहे थे। हमारा रेंट 9,500 रुपये है,
तो ये हम लोग 20,000 रुपये पे कर रहे थे इस वाले घर की, क्योंकि उन मकान वाले भैया ने बोला कि मेरे घुटनों का ऑपरेशन है तो उसके बाद में EMI नहीं भर पाऊंगा, मुझे बेड रेस्ट बोल देंगे, और अगर आपको लेना है तो आप मेरे को पहले पैसे दे देना थोड़े बहुत। इन्होंने कहा ठीक है। जब उन्होंने बोला कि 5 लाख रुपये, हम लोग वहीं रुक गए। हमने कहा हम पहले सारा पता करेंगे। फिर जनवरी में भी बात हुई, जनवरी में बात तय हो गई थी मार्च की, कि मार्च में हम लोग पैसे देंगे उनको, और फिर बाकी जब 6-7 महीने बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हम सारे पैसे, क्योंकि उनका लोन चल रहा है इस वाले घर पे, तो इसलिए हम लोग EMI भर रहे थे। अब वो पिछले हफ्ते थर्सडे को हमारे घर पे आए हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ आए हैं, पूरा 1 घंटा बैठ के गए हैं। 10:30-11 बजे के करीब वो आ गए थे रात को, सारी बात तय हो गई थी। उन्होंने पहले बताया कि ना मैंने ये घर ना जनवरी में बेच दिया, बयाना कर दिया। तो अगर जनवरी में बयाना कर दिया, 6 जनवरी को बयाना कर दिया, तो 9 जनवरी को इनसे EMI किस बात की ले ली? EMI पूरे 20,000 रुपये इन्होंने भरी, तो फ्रॉड उन्होंने किया हमारे साथ। और फिर बोल रहे कोई बात नहीं, चलो मैं आपसे बात तय हो गई है, मैं उसको ना ये बयाना वापस कर दूंगा, मैं मना लूँगा उसको, मैं डबल नहीं देने पड़ेंगे, मैं ऐसे करके, और सारी बातों से मुकरे जा रहे हैं। उसके बाद भी हमारी तय हो गई थी कि मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगी, 24.5 लाख की हमारी पूरी हो गई थी इस घर में। उन्होंने अपना पानी का जो है, हमारे मीठा पानी नहीं आता, तो उसमें भी उन्होंने बोला कि आप खरीदोगे तो आप ही उसको करवाना, हम उसमें भी राजी हो गए कि कोई बात नहीं। और फिर थर्सडे को बात हुई, मैं बहुत खुश हो गई कि जिस चीज़ का सपना था ना वो सपना पूरा होने वाला है, जिस चीज़ जो हम चाहते थे। और फ्राइडे को इन्होंने पता किया, एग्रीमेंट बनना था, फ्राइडे को पता किया, फ्राइडे को जिससे एग्रीमेंट बनवाना था उसने कहा आप मंडे को आ जाना, सैटरडे और संडे छुट्टी है। तो इन्होंने उनकी वाइफ को रात को फ़ोन किया, उन्होंने कहा ठीक है भैया हम मंडे को आ जाएंगे। उन्होंने कहा 9:30 बजे आ जाना अपना आधार कार्ड लेके, फ़ोटो लेके। तो उन्होंने कहा ठीक है। और शनिवार को दोपहर में आके दोनों हस्बैंड वाइफ बोलते हैं कि आप 20 दिन में मकान खाली कर दो, हम पागल थोड़ा बैठे हुए। आज भी वो भैया दोपहर में आए हैं, तब भी यही मेरी उनसे बहस हुई है, अगर आपने खाली करवाना था, अगर आपने मकान को बेचना था तो हमें पहले ही बोल देते, आप 1 महीने का एग्रीमेंट कराओ, 6 महीने का, अगर हमें होता तो हम लेते, नहीं होता तो हम नहीं लेते ना। ऐसे कैसे कोई बेच सकता है कि 1 महीने बाद या 6 महीने बाद? ऊपर से नीचे शिफ्ट करने के हमारे 13-14 हज़ार रुपये लग गए थे। और ये सबको पता होगा कि जिसको जो रेंट पे रहता है कि उसके लिए एक घर होना कितनी बड़ी बात है, कि एक मन में तसल्ली हो गई थी कि हाँ भाई अब वो सपना पूरा होने जा रहा है। उन्होंने आस तोड़ी, और वही आस मैं आज भी बोलूँगी, किसी को आस नहीं दिखाओ। अगर आप आस पूरी नहीं कर सकते तो उस आस को दिखाओ भी मत। आप पहले कागज़ दे रहे हो, फिर आप मना कर रहे हो कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ बहुत गलत है। और मेरे से आप आके बात तो कर दे, मैं इतना रोई, आपको मेरे आंसुओं की कदर नहीं है, इतना रो रही है। उस चीज़ को ना लेके आप अलग चीज़ में ले गए कि इसने मदद की बात बोली है। आप वीडियो फिर से देखना, फिर से ये चीज़ देखना कि मैंने उसमें बोला क्या है क्या नहीं बोला। मुझे अब उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं कहीं ना वो हो गई थी कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा, कि मुझे ये था कि दूसरों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, मुझे गलती कर दी दूसरों पे भरोसा करके, दूसरों, क्योंकि आज तक हम पति पत्नी ने जब से शादी हुई है ना अकेले ही सारे काम किए, अकेले ही सब कुछ किया, अकेले ही सारी लड़ाइयाँ लड़ी है। तो इस लड़ाई में हमने पता नहीं क्यों दूसरों को हम सोच रहे थे शामिल करें, सबको हमने यही सोचा था कि भाई शायद सब अपने हैं, हमने गलती कर दी, नहीं तो आज तक हमने जो भी किया हमने अकेले नहीं किया, जो भी फैसले लिए हैं। तो अभी मेरा एकदम से ना वो हो जाता है कि सांस फूलने लग जाता है। हम बताओ, आप लोग खुद ही बताओ कि छोटे छोटे बच्चे हैं, एकदम से कोई हमें आके बोल दे कि हमने घर बेच दिया आप खाली कर दो, और आप बोल के जा रहे हो कि हाँ भाई हम आपको देंगे ये घर। और बात भी हमारी तय हो गई थी उन भैया ने, इन्होंने बोला था पहले 23.5 लाख, तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे को 23.5 में मैं नहीं दे पाऊँगा। फिर उसके बाद करते कराते 24-20 में हमारी बात हुई, तो तब भी वो मना कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है जब एग्रीमेंट बनेगा तो आप फिर भी 24 लाख, हाँ 24.5 लाख में तय हो चुकी थी बात, लेकिन एकदम से ऐसे थोड़ा ना आप किसी को मना कर दोगे। तो ये चीज़ तो आपने बहुत गलत करी। और ऐसे मैं, मेरा वीडियो बनाने का ना एक यही मकसद था कि जो जो हमारी तरह रेंट पे रह रहे ना, अगर ऐसा कुछ हो उनकी लाइफ में तो प्लीज़ ऐसे आप बिल्कुल भी वो मत करना, ऐसी सिचुएशन में मत फंसना, क्योंकि किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, ना बाहर वालों के ऊपर ना अपनों के ऊपर, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी, सिर्फ अपने जो फैमिली है वही अपनी होती है, ये मैंने देख लिया।
और आज भी जब वो भैया आए हैं ना, तो उनसे मेरी आधा पौना घंटा बात हुई है, क्योंकि ये गए हुए हैं दिल्ली से बाहर गए हुए हैं। ये तो देखो कब आते हैं, कल आते हैं, परसों आते हैं, तो मेरी उनसे बात हुई, दोपहर में आ गए थे। और मतलब इतना बोले जा रहे हैं कि हाँ भाई आप खाली कर दो 20 दिन में, अगर मेरी माता जी यहाँ पर होती तो वो क्या करती है? अगर मैं तो बोलूँगी ना, मुझे गुस्सा, आप एकदम से आके किसी को बोल के जा रहे हो, किसी की हालत ख़राब हो रही है, अगर उस दिन भगवान ना करे कुछ और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती तो ये क्या करते? और हम इतना पैसा कहाँ से लाए, बाहर शिफ्ट करना, डीलर की कमीशन देनी, सामान उठाना, बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। और अब बच्चे नई क्लास में जाएंगे, और आप लोगों को पता ही है कि नई क्लास में जाने का मतलब है बच्चों का बुक्स है, बिल्डिंग फंड है, हर चीज़ हो जाती है, गर्मियों की ड्रेस है, कितना खर्चा है। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम इतनी बातें सुनते किसी की? हम आज ही शिफ्ट कर जाते। और हमें आके मेंटली हरेसमेंट कर रहे हैं, हमें टॉर्चर कर रहे हैं, डेली के कम मैसेज करे जा रहे हैं इनको, कहीं न्यू फ्लैट मिला, न्यू फ्लैट मिला। ऐसे ही थोड़ा मकान रखे रहते, कोई हमारे लिए थोड़ा बैठा हुआ है कि आओ जी आओ, आपके लिए मकान खाली है, आ जाओ। और जो मिलेगा हमें हमारी सहूलियत के हिसाब से मिलेगा। हमें चाहिए फर्स्ट फ्लोर, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है, मैं थर्ड फ्लोर पे तो अब जाऊंगी नहीं, तो अभी तो हमारा एग्रीमेंट है ये। तो हमें इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं ये लोग हमें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तो आप लोगों को जैसे जैसे जो कुछ भी होगा आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।